अस्सलाम वालेकुम। आज है 21 रोज़ा 22 रोज़ा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और बहुत ज़्यादा अंधेरा आ रहा है, हम जा रहे हैं मार्केट। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, हमने कहा था हम लोग मार्केट जा रहे हैं। एंड आई एम रेडी, सो यस। एंड मम्मी फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर गली में, पुराने वाले घर। आज हम लोग इस वाली गली से जा रहे हैं क्योंकि आप लोग को आवाज़ आ रही होगी, आज है अम्बेडकर जयंती, तो वहाँ पर अम्बेडकर जी का फंक्शन चल रहा है, तो हम दूसरे रोड से जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। एंड सामने है बड़ी, आज 22वां रोज़ा है। सबको 22वां रोज़ा बहुत मुबारक हो। सामने बड़ी सी से माथे दिखाते हैं। ये देखिए, ये जा रही हैं मैडम साहिबा। हम अन्य दो साथ साथ हैं क्योंकि हम दोनों अपने ब्लॉग करते हुए जाते हैं। आती तो वो भी है बट उनको आदत नहीं है, नित्तू को भी साथ रहने की आदत हो गई है। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ अम्बेडकर जयंती का फंक्शन, होपफुली आपको नज़र आ रहा हो। हाँ, सो लेट्स मीट बड़ी बड़ी। देखो तो हम तो आती रहती है, इसका मतलब तो क्या हम बिल्कुल नहीं आएंगे। पूरा दिखाई मुझे सामने से, ये लो, कह रही है पूरा ड्रेस दिखाइए हमारा। ये लीजिए भाई, देख लें पूरा ड्रेस, देख लें। बता दो हम शॉपिंग के लिए क्यों जा रहे हैं। इन्होंने मंगवाया था मीशो से, उसका हमें डाला था, जा क्यों रहे हैं शॉपिंग के लिए। इन्हीं का ड्रेस एंड इनकी बेटी का ड्रेस रह गया था, हम पहले बता चुके थे क्योंकि इनको स्कूल से छुट्टी नहीं मिली थी। एंड आज है छुट्टी इनके स्कूल की, तो शॉपिंग के लिए इनकी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं बस। यहाँ पे अम्बेडकर जयंती चल रही है, उसका सेलिब्रेशन। सो यस, यू कैन सी सबकी हालत डाउन हो गई है। मैंने कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, मेरी तो और ज्यादा हो गई इसलिए मैं बैठ गई हूँ। भैया बहुत ज्यादा गर्मी है मार्केट में, यहाँ पर चुन्नू के ड्रेस ले रहे हैं और किसी को कुछ पसंद नहीं आ रहा। फाइनली इन्हें पसंद आ चुकी है, ये देखें अब जाके बस किसी की शॉपिंग हो पाई है और जा रहे हैं। और हमने अपना स्कार्फ चेंज कर दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिल्की था, बहुत डिस्टेंस फिसल रहा था। मैं तो पागल हो गई, नीतू का भी बहुत ज़्यादा रहा है। घर से ठीक होते हैं पर जब रिक्शा में बैठते हैं तो इतना ज़्यादा ऐसा होता है कि उससे खिसक जाता है। तो अभी देखते हैं कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, राजा क्या लेना। बहुत ही सीख रहे हैं, मेरी हालत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब। मैंने ना
बज रहा है रात का 1:47। यस अब दिखाई दे पापा, हम भी जा रहे हैं ना, तो जो है ना ये कह रहे हैं लेट के भी तो तस्वीर पढ़ सकते हैं ना, वो पढ़ रही हूँ तो अभी हमारी तबीयत सही नहीं है, तो इसलिए पापा कह रहे तुम आराम करो। मैंने कहा नहीं, लेटे लेटे तस्वीर पढ़ना है दुरूद शरीफ अलहम्दुलिल्लाह और सब कलमा वगैरह। और शबे शबे रात आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी पूरी फैमिली की तरफ से मम्मी पापा सब जाग रहे हैं, निधू एंड साथ में चुन्नू, तो पूरी रात जाग रही हूँ। चुन्नू के आज बड़े चुन्नू, उनको लग रहा है कि अभी दिन हो रहा है, चुन्नू तुम्हें ऐसा लग रहा है ना दिन हो रहा है? क्या 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 तुम तो आज बिल्कुल नहीं सोने वाली है, आज तुम बिल्कुल भी नहीं सोओगी। तो इतना बड़ा दाना हो गया, सब खुजली मची तो इतना बड़ा हो गया ये। चलिए मिलते हैं फिर हम आप लोगों से थोड़ी देर। आई हूँ चाय बनाने के लिए, नींदू का दिल कर रहा है चाय पीने का। मैंने पूछा किसी को चाय तो नहीं पीनी, तो सबसे पहले शायद से बोलती है कि मैं पीऊँगी, मुझे बना दे चाय। मम्मी के लिए भी बना दे रही हूँ, कह रही हूँ सुना भी डैडी पी लो थोड़ी सी चाय, आधा कप पी। पापा कह रहे नहीं मैं नहीं पीऊँगा। हाँ ठीक है, तबीयत अम्मी ऐसी कोई ख़राब नहीं है, अल्लाह का शुक्र। और मेरे भाई की तबीयत ख़राब हो गई, उसको बुखार आ गया तो बड़ा बुरा सा लग रहा है। मैं थोड़ी देर पहले उसके हाथ पैर दबा रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा ना, क्योंकि वो तो वो भी जागता है। तो अल्लाह पाक सारे बीमार लोगों को सेहत और शिफा दे, मेरे भाई को भी शिफा दे, आमीन सुमामीन। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं चाय। तो यहाँ पे हमें चाय बनती है, सिर्फ 2 कप ही चाय बनाएंगे, 1 मम्मी के लिए 1 मम्मी के लिए, और भाई ने मना कर दिया नहीं पिएगा, मैं तो वैसे भी नहीं पीती चाय तो बस। और तो चलिए आप लोगों में से किस किस को चाय पीनी है और कौन कौन टी लवर हैं ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कितने लोग हैं जो कि टी लवर्स हैं। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है, एक नीतू की एक मम्मी की, मम्मी भी कुरान शरीफ पढ़ रही हैं। ले लो नीतू, अब हम चलते हैं अपने रूम में, वहाँ लेट के हम तस्वीर पढ़ेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन हम आ चुके हैं और अभी हो चुकी है मॉर्निंग एंड टाइम हो रहा है 12:45 का। यस मैं तो थोड़ा सा लेट उठी 11 बजे के समथिंग, बाकी हमारे घर में तो सब लोग बहुत जल्दी हमारे यहाँ पर कुछ सोता नहीं है, तो ना सारी रात जागे और उसके बाद जो है ना इतनी जल्दी उठ भी गए, हमें लगा सब काफ़ी लेट उठेंगे। मम्मी बैठी हुई थी, मम्मी तो कपड़े भी धो लिए, मम्मी उठती, मम्मी ने मशीन वगैरह लगाई एंड निधु महारानी भी उठ गई बहुत जल्दी, कुरान शरीफ वगैरह भी पढ़ लिया और सुबह सोई फजर में पीला जाएगी। और यहाँ पे अभी सूट लेकर यहाँ पे सूट लेकर बैठी कह रही है आज हम इनको सूट। चलिए अब हम इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, और फिलहाल 12:45 के समथिंग हो रहा है और हम जा रहे हैं थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुआ एंड देन अपने और कुछ काम देखें। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।